हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और आज का हमारा टॉपिक है कि आखिरकार हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं देन हमें क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे देखनी चाहिए। बिकॉज पहले वाला जमाना चला गया, अभी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल है। इसके साथ ही आप जो है घर बैठे ऑनलाइन डिग्री ले सकते हो, उस डिग्री की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी आपकी ऑफलाइन यूनिवर्सिटी के साथ है। इसके साथ ही आपको इतने अच्छे अच्छे कोर्सेस मिलते हैं जो कि आपकी लाइफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड जॉब ओरिएंटेड जो एक्सपर्ट है जो कि अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनीज, पूरे वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनीज के अंदर ऑलरेडी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, वो आपको पढ़ाते हैं। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है कि आखिरकार हम ऑफलाइन यूनिवर्सिटियों में क्यों जाए जब हमारे पास ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, और अगर हम जाते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटियों में, तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ दिस जनरेशन कि आपका कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर आपको फैसिलिटीज कैसी दी जा रही है। बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी लोकल बोर्ड्स पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आखिरकार जो बच्चा मोबाइल के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर 2 सेकंड नहीं दे पा रहा है, वो बोर्ड का, टीचर का लिखा हुआ बोरिंग फिजिक्स कैसे समझ सकता है? आखिरकार हमारा गवर्नमेंट क्यों इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बच्चों को विजुअलाइजेशन से समझाना चाहिए, डिजिटल बोर्ड अभी लगाना चाहिए। कॉलेजों के अंदर अभी स्टार्टअप का बूम चल रहा है, शार्क टैंक देश के अंदर आ रहा है, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स अपने स्टार्टअप आइडियाज पे काम कर रहे हैं। कॉलेजों के अंदर इनक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, इनोवेशन सेंटर होना चाहिए, बच्चों को जो है फंड्स मिले, बच्चे अपने स्टार्टअप पे काम करे और देश के लिए एक नया यूनिकॉर्न बना सके। तीसरा ऑप्शन आपके लिए ये होता है कि आप जो है बेस्ट कोर्स चूज करें अकॉर्डिंग टू द जनरेशन। अभी इस टाइम पे बहुत सारी लोट ऑफ जॉब्स है जिसको AI रिप्लेस कर रहा है। अब आखिरकार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो क्या सकता है? कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी चाहिए, कि आपको फाइनेंस करना चाहिए, कि आपको लॉ करना चाहिए, कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहिए, आपको आखिरकार करना क्या चाहिए? दिस इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन कि आप क्या करें। इसके बाद में और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपकी फैकल्टी कैसी होना चाहिए, क्या आपकी कॉलेज के आसपास कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए ताकि आप वहां पे जा सके, कंपनियां कैसे काम करती है, फंड्स कैसे मिलते हैं, आखिरकार किसी कंपनी को, किसी स्टार्टअप को फंड क्यों मिले, आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने क्या डिग्री हासिल कर रखी है, आखिरकार कोई लल्लू लाल प्रोफेसर तो नहीं है जिसको 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है और वो आपको सपने दिखा रहा है 5 करोड़ का प्लेसमेंट दिलाने की। आखिरकार ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं कॉलेजों के सेलेक्ट करने के, इसलिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसको जरूर से चेकआउट करो, या फिर आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड बेस्ट काउंसलर विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, आप उनसे जरूर से कंसल्ट करिए रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा क्या, क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों से सम्मान करो, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया उस पर कॉल भी आप कर सकते हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट कोर्सेज के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।